आतंकवाद के मुद्दे पर घर और बाहर बुरी तरह घिर चुका पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने के लिए भारत के खिलाफ कीचड़ उछालने में जुट गया है। वहां आतंकी सरगना हाफिज सईद के लाहौर स्थित घर के बाहर 23 जून को हुए विस्फोट को ढाल बना रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने इस विस्फोट के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के इस रवैये से दोनों देशों के बीच हुए चल रही संघर्ष विराम की प्रक्रिया खतरे में पड़ गई है। इसके चलते ही इस साल फरवरी से नियंत्रण रेखा पर अपेक्षाकृत शांति बनी हुई है। हाल में एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में यूसुफ ने कहा कि भारत के साथ अब बैक चैनल बातचीत नहीं होगी, क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के उनके देश की मांग पूरी नहीं की है।